सॉरी कि अब की बार का अपडेट एक दिन लेट है, ये कोविड की वजह से नहीं हुआ, जस्ट मेरा स्केड्यूल थोड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। एनीवे पिछला हफ्ता तो सब कुछ नॉर्मल चला, हम लोगों ने रेस्क्यूज भी किए, हम लोग ट्रीट ऑन स्ट्रीट भी करते रहे, और साथ ही साथ नूरपुर में एक डॉग है जो वायर ट्रैप में फंस गया था, वहाँ जाके भी हमारी टीम ने उसको छुड़ा दिया। पर इस हफ्ते से हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट नहीं कर पाएंगे, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्लस थोड़ा यहाँ कांगड़ा में भी कोविड ज़्यादा फैल रहा है। पर हम रेस्क्यूज़ करते रहेंगे, अभी भी हमारी टीम एक गाय को रेस्क्यू करने गग्गल गई है। खैर पिछले हफ्ते जो सबसे पहला रेस्क्यू था वो तो एक बैल हमें ही डॉग वॉक पे दिखा, हम तो डॉग वॉक्स पे आए हुए थे, तो यहाँ पे हमें ये बैल दिखा है। तो साहिल को फोन तो हमने कर दिया है, अब जैसे ही हमारी टीम आती है इसको रेस्क्यू करेंगे। हमारे पास इस समय रस्सी वगैरह कुछ है नहीं। इसके गले पे बहुत बड़ा मैगेट वुंड है। एक बुल जिसको हम दो दिन से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो अब जाके हाथ आया हमारे, है ना ज्योति? ये बुल है और ये हमारे धनोटो का ही है, गर्दन पे मैगेट वुंड है, ये काफी कमजोर सा लग रहा है, ये देखो हड्डियां निकली है। बियॉन्ड से जिसको हम यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हमें लगा था कि उसका पैर टूटा हुआ है, पर बाद में पता लगा था कि उसका जो फ्रैक्चर है वो हील्ड फ्रैक्चर है, पर फिर भी उसको नर्व डैमेज थी तो उसका उसके लिए इलाज चलता रहा और फिजियोथेरेपी होती रही, पूरी तरह ठीक हो गई। फिर हमने उसको स्टरलाइज कर दिया, यानी कि उसकी सर्जरी कर दी ताकि उसके सड़क पे जाके बच्चे ना पैदा हों। पेट भी है, वैक्सीनेटेड भी है, और अब उसका ट्रीटमेंट भी पूरी तरीके से खत्म हो गया और अब हम इसे रिलीज कर रहे हैं वही उसी जगह पे जहाँ से हम इसे लेकर आए थे। बाय बियॉन्से। एक और चीज जो आम तौर पे खुशखबरी मानी जाएगी, हमारे लिए तो खैर वो खुशखबरी नहीं है। कर्मा जो यहाँ पे अपने इलाज के लिए आई हुई थी, पता चला है कि वो अपनी लास्ट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में है, तो अब देखते हैं किसी भी दिन उसका बछड़ा या बछिया पैदा होगी और उसको फिर हमें यहीं पे रखना पड़ेगा। तो ये चरण दास जी हैं जिन्होंने अपनी टांगों पे पोलो रैप्स पहने, और पोलो रैप्स बेसिकली टांगों में इसलिए पहनाते ताकि सपोर्ट मिले और इसके पैरों में जो दर्द है वो इसे थोड़ा सा कम हो। कल हमने धनोटू से जिस बैल को रेस्क्यू करके यहाँ लाया था, आज उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। हमने आइवरमेक्टिन डाल के छोड़ा तो मैगेट्स मर गए थे ना, वो अब अभी निकाल रहे हैं, वो देखो जैसे अब निकल गए। विचित्र शर्मा जी ने हमें कॉल किया था बस नूर से इस डॉग के लिए। ओह माय गॉड, इसको काफी बड़ा मैगेट वुंड है। उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे जो कॉलर है हमारे, हाँ, उन्होंने शुरू करवाया था, दो तीन दिन कोशिश भी की लेकिन डॉग काफी ज्यादा फ्यूरियस है इसलिए वो कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे थे और ट्रीटमेंट उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा था, उनसे कि उसमें इसलिए हमने इसे यहाँ शिफ्ट किया है। किट्स निकाले, डेड टिश्यू निकाला और अभी हमने इसमें क्लीनिंग करके इसको पैक कर दिया। फिर मेरे साथ है जो और सैमसन, कि अभी सैमसन की एनरिचमेंट हो रही है, मेरे लिए अभी इजी नहीं है सैमसन को हैंडल करना, तो जो मुझे हेल्प कर रही है मुझे हैंडल करने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा। होपू जिसकी सर्जरी हुई थी ताकि वो आगे बच्चे ना दे पाए, उसके आज स्विचेस रिमूव हो रहे हैं, उसको मेस्टाइटिस था और उसके आगे वाले जो दो थन है वो पूरी तरीके से खराब थे। उसकी एक बछड़ी भी हुई थी लक्ष्मी जो बच नहीं पाई थी क्योंकि भोपू के थनों में दूध नहीं बनता था। डॉक्टर हिमांशु और उनकी टीम ये स्विचेस रिमूव करने वाली है। एक्चुअली पीपल फार्म की बहुत सारी ब्रेव गायों में से एक ब्रेव गाय भोपू भी है। डॉक्टर हिमांशु, कोई मेडिसिन है या कोई आफ्टर केयर है इसके बाद? सूचेस वाली की तो नहीं है, इसके अडर में एक इन्फेक्शन हुआ है, इसने पैर मार मार के स्क्रैच करके वहाँ पे जख्म किया है जिससे कि थोड़ी पास आ रही है, उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, उसकी डेली क्लीनिंग हो रही है। मैक्सी जिसको स्किन कंडीशन थी बहुत सुधार आया है, इसको एडॉप्शन पे भी हमने डाला है, पर हम जा रहे हैं रवीना के घर पे आपको एक ऐसे सदस्य से मिलाने जिनसे आप शायद अभी तक नहीं मिले हो। हाय, ये रवीना का कैट है जिसका नाम है मुरुकू और ये भी पीपल फार्म का एक रेजिडेंट है। मुरुकू को किसी मंक ने देखा था तो फिर उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और फिर उसको ज्यादा टाइम तक रख नहीं पाए थे। इसके पीछे के दोनों पैर एक पूरी तरह पैरालाइज्ड है और इसमें थोड़ी सी सेंसेशन है, इसको घर की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो मैंने सोचा कि मैं इसे अडॉप्ट कर लूं। आने वाले कुछ समय तक मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हम रेगुलर वीकली अपडेट्स डालते रहेंगे, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि टेलीग्राम पे पीपल फार्म चैनल से जुड़िए, जहाँ पे जैसे ही कोई रेस्क्यू आता है या कोई भी अपडेट होता है वहाँ पे पोस्ट करते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हम पीपल फार्म के नाम से है, वहाँ पे स्टोरीज में जो भी रेजिडेंट एनिमल्स हैं या जो भी एनिमल्स यहाँ रिकवर हो रहे हैं हम उनके अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।